हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी की रिवीजन क्लास हो रही है। अब तक जो भी क्वेश्चन हो चुके हैं उन सबको ही फिर से कराया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन एक बार सब हो चुके हैं, दोबारा हो रहे हैं तो आप लोगों को याद तो होगा ही और क्वेश्चन गलत भी नहीं होना चाहिए आप सबका। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेडक्लिफ ब्राउन ने यूफोरिया जैसे निर्मित शब्द को चित्रित किया है एक संतुलन के रूप में, एक अक्रम के रूप में, एक सामाजिक कल्याण के रूप में, एक सामाजिक उमड़ के रूप में। राइट आंसर बताइए। रेडक्लिफ ब्राउन ने यूफोरिया जैसे निर्मित शब्द को चित्रित किया है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एक सामाजिक कल्याण के रूप में। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद की विशेषता नहीं है? मुक्त बाजार कारोबार, लाभ का अधिकतमीकरण, मुक्त श्रम, निजी क्षेत्रों पर सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रभुत्व। राइट आंसर बताइए, कौन पूंजीवाद की विशेषता नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, निजी क्षेत्रों पर सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रभुत्व। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का चित्रण किया था? हर्बर्ट ब्लूमर, ग्राफमैन, हर्शल, मैनफोर्ड कुन। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का चित्रण किया था। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, हर्बर्ट ब्लूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? इरावती कर्वे, श्यामाचरण दुबे, डीएन मजूमदार, के एम कपाड़िया। कौन भारतीय परिवार पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, के एम कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान नहीं है? पार्सन्स, परिवर्तनीय प्रतिमान, मैलोवस की उद्विकासीयता, श्रीनिवास, प्रबल जात, मर्टन, मध्यम रेंज सिद्धांत। कौन सही मिलान नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मैलोवस की उद्विकासीयता, ये सही नहीं है। उद्विकासीयता ये हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसने समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिकी पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया? स्पेंसर, कॉम्टे, टॉनेज, वेबर। किसने समाजशास्त्र के लिए सामाजिक भौतिकी पद का प्रयोग किया? राइट आंसर क्या होगा? सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग अगस्त कॉम्ट ने किया था। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेखक ने समाज को एक समान होने की चेतना में अंतर्विष्ट समझा है, निम्नलिखित में से उसे पहचाने? कूले, वार्ड, सीमेल, गिडिंग्स। किसने समाज को एक समान होने की चेतना में अंतर्विष्ट बताया है? कूले, वार्ड, सीमेल, गिडिंग्स। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फोर, एंथनी गिडिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्थाएं निम्नलिखित में से किसके साथ प्राथमिक रूप से जुड़े हैं?
संस्थाएं, धर्म, लोगों की चेतना, समितियां। सामाजिक संबंध ये किसके साथ प्राथमिक रूप से जुड़े हुए हैं? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, लोगों की चेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित समूह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? संस्था, समुदाय, समिति, राज्य। एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित समूह को क्या कहते हैं? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, समिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने धर्म को लोगों की अफीम समझा? फ्रायड, मोश्का, कार्ल मार्क्स, इमैनुअल दुर्कीन। धर्म को लोगों की अफीम समझा है फ्रायड, मोश्का, मार्क्स, दुर्कीन। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही है परंतु संस्कृत नहीं? जॉनसन, मैकाइवर, टाइनबी, बर्जर। सभ्यता सदैव आगे बढ़ रही है परंतु संस्कृत नहीं। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सेकंड, मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, मैकाइवर, इनविटेशन टू सोशियोलॉजी, डेविस सोसाइटी, बर्गर, द सोशल ऑर्डर, बेयर स्ट्रीट, ह्यूमन सोसाइटी। 2341 1342 2134 2413। राइट आंसर क्या है? सुमेलित करके बताइए राइट आंसर। तो इसमें राइट आंसर है, मैकाइवर ने सोसाइटी पुस्तक लिखी है, डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक लिखी है, बर्गर ने इनविटेशन टू सोशियोलॉजी और बेयर स्ट्रीट ने द सोशल ऑर्डर। तो इसमें राइट आंसर होगा 2413 2413 ऑप्शन फोर इसमें राइट आंसर है। मैकाइवर सोसाइटी, डेविस ह्यूमन सोसाइटी, बर्गर इनविटेशन टू सोशियोलॉजी और वेयर स्टीट द सोशल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर साक्षरों से आंकड़े एकत्रित करने के लिए कौन सी पद्धति ज़्यादा उपयुक्त है? प्रश्नावली, प्रेक्षण, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। गैर साक्षरों से आंकड़े एकत्रित करने के लिए कौन सी पद्धति ज़्यादा उपयुक्त है? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य है संबंधों के बारे में सामान्यीकरण करना, परिदृश्य के वांछित संबंधों की छानबीन करना, परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना, परिदृश्य के चयनित संबंधों से उसे संबंधित करना। राइट आंसर बताइए। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, परिदृश्य के अधिकतम संभावित संबंधों की छानबीन करना। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवृत तालिका से कौन से माध्य की परिघटना की जा सकती है? यहाँ पर होगा माध्य। विवृत तालिका से कौन से माध्य की परिघटना की जा सकती है? माध्यिका और बहुलक, बहुलक एवं माध्य, माध्य एवं माध्यिका उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? विवृत तालिका से कौन से माध्य की
परिगणना की जा सकती है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, बहुलक एवं माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। सहभागी अवलोकन मैक्स वेबर, सामाजिक तथ्य मर्टन व स्टेहन इमाल दुर्खिम, मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत रेडक्लिफ ब्राउन। 4-3-1-2, 4-3-2-1, 3-4-2-1, 4-2-1-3। कूट देखकर सही आंसर बताइए क्या होगा। सहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन ये है ब्राउन का, सामाजिक तथ्य है इमाइल दुर्खिम का, वर्स्टेहन है मैक्स वेबर का, मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत है मर्टन का। तो इसमें राइट आंसर है 4-3-1-2, 4-3-1-2, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। सहभागी अवलोकन ब्राउन, सामाजिक तथ्य दुर्खिम, वर्स्टेहन मैक्स वेबर, मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत रॉबर्ट के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित पद्धतियों में से कौन सी प्रायिकता प्रतिचयन के नाम से जानी जाती है। समष्टि से लॉटरी द्वारा चयनित प्रतिदर्श जो उपलब्ध है उनमें से चयनित प्रतिदर्श, शोध के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिदर्श चयन, विभिन्न वर्गों के उत्तरदाताओं को ध्यान में रखते हुए चयनित प्रतिदर्श। राइट आंसर क्या होगा। कौन सी प्रायिकता प्रतिचयन के नाम से जानी जाती है। प्रायिकता प्रतिचयन कौन सी पद्धति प्रायिकता प्रतिचयन के नाम से जानी जाती है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, समष्टि से लॉटरी द्वारा चयनित प्रतिदर्श, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के अधिकांश सदस्यों के ध्यान दिए बिना कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है, इसे क्या कहते हैं। प्रत्यक्ष परिवर्तन, प्रच्छन्न परिवर्तन, सापेक्ष परिवर्तन, निरपेक्ष परिवर्तन। समाज के अधिकांश सदस्यों के ध्यान दिए बिना कुछ सामाजिक परिवर्तन होता है, इसे क्या कहते हैं। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, प्रच्छन्न परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित है। स्पेंसर, टाइनबी, लिप्सेट, हावाउस। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से कौन संबंधित है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, टाइनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। चक्रीय, वीको, रैखिक, सोरोकिन, उतार चढ़ाव, स्पेंगलर, सर्पिल, स्पेंसर। 3-4-2-1, 3-2-1-4, 2-3-1-4, 2-1-4-3। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसमें चक्रीय सिद्धांत ये है स्पेंगलर का, रैखिक सिद्धांत ये है स्पेंसर का, उतार चढ़ाव सोरोकिन का है, सर्पिल है बीको का। तो इसमें राइट आंसर होगा 3-4-2-1, 3-4-2-1, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। चक्रीय सिद्धांत स्पेंगलर, रैखिक सिद्धांत स्पेंसर, उतार चढ़ाव का सिद्धांत सोरोकिन और सर्पिल बीको का, जीवानी भी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार प्रकार्यात्मक बिखराव की स्थिति के साथ समाज विरले ही समाप्त होता है, इसके बजाय यह यूनोमिया की नव स्थिति की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, अपने संरचनात्मक प्रतिमान को बदल सकता है, अपने को विश्रृंखलित कर सकता है, अपनी पहचान को बदल देता है। 1-2, 2-3, 1-3, 3-4। राइट आंसर क्या होगा इसमें।
राइट आंसर बताइए। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार प्रकार्यात्मक बिखराव की स्थिति के साथ समाज विरले ही समाप्त होता है, इसके बजाय यह इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यूनोमिया की नव स्थिति की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, अपने संरचनात्मक प्रतिमान को बदल सकता है। एक और दो ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से मैलनोवस्की के सोपानिक क्रम में व्यवस्था के तीन स्तरों के साथ संबंधित नहीं है, प्रतीकात्मक व्यवस्था, सामाजिक संरचनात्मक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था, जैविकी व्यवस्था। मैलनोवस्की के सोपानिक क्रम में व्यवस्था के तीन स्तरों के साथ कौन संबंधित नहीं है, राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, व्यक्तित्व व्यवस्था। तो आज की ये क्लास यहीं तक, आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।